गलती करके आंखों में आंसू, गलती करके आंखों में आंसू, ये जो सिंबल है क्या है, क्या है सिंबल? गलती करके आंखों में आंसू, इसका सिंबल क्या है, इसका मतलब क्या है? कभी आप गलती करी हो तो आपको आंखों में आंसू आता है? आप कभी गलती करते हो तो आपको आंखों में आंसू आता है? आप कभी गलती किए हो, यू मेक मिस्टेक, अगर जानबूझ के आप गलती कर देते हो तो आपको आंखों में ऑटोमेटिक आंसू आता है? तो आंसू ही जो है आपका पश्चाताप का आंसू होता है। आप जल्दबाजी में जज्बात होकर के गलती तो कर देते हो, लेकिन जब वो गलती जो है गलती को साफ करने के लिए, जैसे आप पर कोई कीचड़ लग गया, प्रकृति ने कितना अच्छा चीज बना दिया यार, कुछ भी जैसे गोल्ड मार्कर है तो इसको रब करने के लिए, मिटाने के लिए डस्टर बना दिया। उसी तरह से हमको गलती जब करते हैं तो उस गलती को एहसास दिलाने के लिए आपकी आंखों से आंसू निकालने लगता ऊपर वाला, कि धो डालो गलती को, धो डालो। और ऑटोमेटिक आपका आंखों से जब किसी के आंसू निकलने लगे तो समझ लो कि बिना बोले ही वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। वो बोला नहीं, जुबान से नहीं बोला, मगर वो अपनी गलती को एहसास कर रहा है कि उसकी आंखों से आंसू आ रही है। आंसू कई तरह के होती है, एक अपने आप को गलती को एक्सेप्ट करने का, एक खुशी का आंसू होती है, नफरत की कभी आंसू देखे हो गया, किसी से गुस्सा होते हो, किसी पर आप गुस्सा होते तो क्या आपका आंसू निकलता है, आग निकलती है, आंखें जो लाल हो जाती है और आग बरसती है। लेकिन जब जब हम कुछ मिस्टेक करते हैं, जब जब आप अपने आप को किसी से दूर होने की कोशिश करते हैं, अब कोई कोई आपके कंपनी में देखा होगा, वर्कर भी आपके साथ काम करता होगा, गुस्सा में तो बोल देता कि मेरा हिसाब कर दो चले जाएंगे, फिर थोड़ा देर के बाद वो आंखों में उसका आंसू होने लगता है, उसके आंखों में आंसू आने लगता है। तो आंसू जो है उसको गलती को एहसास कराने लगता है कि तुम गलत हो। बात समझ में आ गया? जैसे आपका ही हमारे कंपनी में काम करता है कन्हैया, तो कला तो फिर उसको बात करते करते रोने लगा, तो उसको अब आगे बोलने की जरूरत नहीं। कि हम जब गलती करते हैं तो हमें एहसास हो जाता है कि सामने वाला आपको कितना प्यार दिया, कितना इज्जत किया और आप उसके साथ क्या किए, तो वो चीज सीनरी उसको दिमाग में फिरने लगती है और उसको अंदर जो आपका केमिकल होता है वो केमिकल रिएक्शन करने लगता है, और रिएक्शन करके आंसू में कन्वर्ट करके आपके आंखों में से आंसू गिराने लगता है कि भाई जो गलती की हो धो डालो और दोबारा ऐसा गलती नहीं करता। जितना आप जाते हो रोड पे, कोई गाड़ी वाला आपके शरीर पर कचरा मार देता है तो फिर आप जाकर स्नान करते धो डालते हैं, उसी तरह से आंख से आंसू आना बोले तो अपनी गलती को धुलाई कर देता। और आंख की जो आंसू है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आंख के आंख का आंसू ढलकता देखकर जी तड़प करके हमारा रह गया। आंख का आंसू न होता ये अगर बावले हम हो गए होते कभी, सैकड़ों टुकड़ा हुआ होता जिगर, आंख का आंसू न होता ये अगर। तो आंख का अगर आंसू नहीं होता बहुत लोग पागल हो जाते थे, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता था, बावला मतलब पागल। तो आंख का जो आंसू है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी का डेथ हो जाता है तो कोई रोता नहीं है, तो उसको रुलाया जाता है, भाई रो, अगर नहीं रोएगी तो पागल हो जाएगी। बात समझ में आ गया? तो हमें लाइफ में क्या है कि जैसे कि देखा गलती करके आंखों में आंसू आना, तो सब जाहिर कर देता है कि आप गलती किया उसने और उस गलती को एक्सेप्ट कर लिया और आपको उसको ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। यही जिंदगी है। जैसे आपका बच्चा गलती करता है, अपने बच्चों से देखिए ना, कुछ गलती करके आता है मम्मी डैडी डांटते हैं तो बच्चा रोने लगता है, इसका मतलब अब आपको डांटने की क्या जरूरत है, उसने आंसू गिरा दिया, इसका मतलब जो गलती किया था वॉश कर दिया। देखो प्रकृति ने कितना अच्छा चीज बना दिया। आप बच्चे को डांटते हो
और टीचर भी मारते बोलता है तो बच्चा रोने लगता है। इसका मतलब वो जो गलती किया उसको धो दिया, जो गलती किया धो दिया, और फिर रो लेने के बाद फिर देखो उसके अंदर कुछ रहता ही नहीं है। लेकिन एक इंसान को देखो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है कल छपट रह जाता है, उसके आंखों में आंसू नहीं आता है। लेकिन बच्चे को बोलते हो तुरंत रोने लगता है क्योंकि अंदर उसका कुछ है ही नहीं, उसको फीलिंग हो जाता है यहाँ पर गलत था और आंसू बन के निकल जाता है, फिर गलती को साफ कर देता है। और फिर वही बच्चा जो पहले जैसा ही आपसे बिहेव करने लगता है, उसके दिल में कुछ रहता ही नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं साला आंखों में आंसू आता ही नहीं है, हम एग्री मूड में चले जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, ईगो होने लगता है, और ईगो होने वाला घमंड जो है आंसू नहीं निकलना आंखों से ये बहुत घातक होता है। वही आपको बीपी हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो रोना भी बहुत जरूरी होता है, गलती करके आंखों में आंसू आना भी बहुत जरूरी होता है। नमस्कार, धन्यवाद।